हेलो एवरीवन, आई एम रोमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रोमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ फटाफट से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला कुछ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी सा डिश बनाऊं, तो आज मैंने वही ट्राई किया है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जो आज बनाया है डिश वो है क्रिस्पी डोसा, पेपर डोसा मैंने आज बनाया है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्टफिंग नहीं डाली है, ये फटाफट से बनने वाला डोसा है। तो आज मैंने इसमें जो ट्विस्ट लाया है वो ये ट्विस्ट है कि आज मैंने यहाँ पे छोटे वाले राइस का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है डोसा बनाने के लिए। तो मैंने आज यहाँ पे जो राइस का इस्तेमाल किया है वो है रेगुलर राइस, जो राइस आप डेली घर पर खाते हो, नॉर्मल चावल जिसका बना के आप खाते हो, मैंने वही वाला राइस लिया है। एंड दाल में मैंने मूंग का दाल का इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपको बस तीन इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाला क्रिस्पी पेपर डोसा की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए किचन में मिलते हैं, क्रिस्पी पेपर डोसा की रेसिपी देखते हैं। Close till I get up, time is barely on our side। तो आज के पेपर डोसा बनाने के लिए जो मेन थ्री इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किए हैं वो है एक टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड यानी मेथी के दाने, एक कप मैंने मूंग के दाल का इस्तेमाल किया है एंड एक कप रेगुलर राइस। इन तीनों को अच्छे से वॉश करके हम इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए वाटर में रख देंगे या 5 to 6 hours के लिए। 5 to 6 ग्रीन चिलीज, 1 inch जिंजर का टुकड़ा एंड 1 tablespoon सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने तीनों को यानी राइस, मूंग दाल एंड फेनुग्रीक सीड तीनों को अच्छे से वाटर में 5 to 6 hours के लिए सोक कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया एक बार। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड कर दिया है। अगर आप इसे ओवरनाइट अच्छे से सोक करते हैं वाटर में तो बैटर बहुत अच्छे से बन जाएगा। देन मैंने ग्रीन चिली, जिंजर एंड 1 tablespoon सॉल्ट ऐड किया है एंड 1 cup वाटर। अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे और बैटर को लगभग 6 to 7 hours या फिर आप ओवरनाइट के लिए रेस्ट करने दीजिए तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप इंस्टेंट बनाना चाहें तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक डोसा तवा लिया है यानी एक नॉन स्टिक तवा, इस पर मैंने पानी का थोड़ा सा ड्रॉप्स स्प्रिंकल किया, उसके बाद मैं एक कपड़े से इसे पोंछ दूँगी। अब यहाँ पे मैं बैटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 to 3 tablespoons बैटर ऐड कर रही हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल फ्लोई सी होगी। अगर आपको मिक्सर जार में पीसने के वक्त लगे कि आपका बैटर में और एडिशनल वाटर चाहिएगा तो आप उसमें थोड़ा और वाटर ऐड करके एक रनी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये तवे पे अच्छे से स्प्रेड हो गई है, इसे हम 3 to 4 minutes के लिए अच्छे से सेकने देंगे। दैन टर्न करके दूसरी तरफ भी अच्छे से सेकेंगे। डोसा अगर खुद ब खुद अच्छे से अगर सिक जाएगा तो वो खुद ब खुद पैन यानी तवे को छोड़ देगा, आप उसे ईजिली पलट पाओगे बिकॉज डोसा पकने पे साइड्स खुद ब खुद निकल आते हैं। तो यहाँ पर हमारा डोसा बिल्कुल रेडी है, विदाउट बटर, विदाउट ऑयल। हमने यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी सा डोसा बनाया है बहुत ही फटाफट से और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ। अगर आपको मेरे नारियल की चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल पे दोनों पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से नारियल की चटनी की रेसिपी दे सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी सा यम डोसा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड लंच बॉक्स रेसिपी आप इसे कह सकते हैं, बहुत ही हेल्दी
बहुत ही यमी है। तो रेसिपी ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।